मेरे वालिद माजिद कद्दस अल्लाह तआला सर्रहु तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, एक बड़े काम की बात फरमा गए थे, कोशिश करते हैं उस पर अमल करने की, अल्लाह तआला पूरी तौफीक भी अता फरमा दे। जब कोई बात मुंह से निकालो तो पहले ये सोच लो कि मुझे किसी अदालत में इसको साबित करना है, अगर साबित कर सकते हो तो कहो वरना चुप हो जाओ। और फरमाया कि इसकी नौबत दुनिया में आ सकती है कि तुम्हें अदालत में बुलाकर तुमसे सबूत मांगा जाए होगा, लेकिन अगर इस अदालत दुनिया की अदालत में ना माना मांगा गया तो एक अदालत तो आनी ही आनी, अल्लाह तबारक वहाँ पूछा जाएगा कि ये जुमला तुमने बोला था, फलां पर ये इल्जाम लगाया था, फलां पर ये बोहतान लगाया था, जवाब दो इस बोल इल्जाम और बोहतान का, सबूत पेश करो या सबके सामने कयामत के दिन सबके सामने पेश। अगर तुम इसके तैयार हो कि वहाँ सबूत पेश कर सकते हो तो बेशक बात निकाल देना, लेकिन अगर नहीं तो याद रखो एक एक लफ्ज तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है और ये अल्फाज जो तुम मुँह से बेतकान निकाल देते हो ये तुम्हारे लिए जहन्नम के अंगारे बनने वाले हैं।